हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 7 तारीख, हम लोग उठ गए हैं, नाश्ता करने वाले हैं, बाद हम लोग जाएंगे दोपहर में, एक जगह दावत है यहाँ पे गांव में, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे कलेड़ी, मेरी मम्मी के गांव, और वहाँ पे मेरी मुमानी रहती है, उनके पास जाएंगे हम लोग। उमर भी उठ गया मेरे साथ में, जिक्रा भी सो रही है। हाय बोलो, से हाय, हाय बोल दो। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। उमर तो बिल्कुल भी जैकेट नहीं पहन रहा है, कुछ भी नहीं पहन रहा है। थोड़ी बहुत ठंडी होती है लेकिन उमर कुछ भी नहीं पहनता है। हाँ, नॉर्मल ठंडी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा ही ठंडी रहती है, सूरज भी नहीं निकलता है। 10-15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है, लोग अपने घर के बाहर भी नहीं जाते, इतना कोहरा रहता है, इतना ठंडी रहती है यहाँ पर। मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज है न्यू डे और आज है 7 तारीख। बीच बीच में काफ़ी टाइम मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, फ़ोन में बैटरी नहीं थी और यहाँ पे लाइट वगैरह का थोड़ा इशू होता है। लाइट वैसे तो प्रॉपर है बट समटाइम्स लाइट नहीं आती तो देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं हूँ अभी मेरी बहन के घर पे ही, मेरी बहन के ससुराल में। अभी इस वक्त मॉर्निंग के आई थिंक 11:30 हो रहे और मैं अभी छत पे बैठी हुई हूँ। ये छत है, माशाल्लाह बहुत बड़ी छत है और मैं यहाँ पर अभी खाट पे बैठी हुई हूँ। अच्छे से मैं रील बना रही थी, बंदा आ गया, एक और है बंदा यहाँ पे, भाग के उधर बैठ गया वो, जाकर कुछ खा रहा है, और एक इधर साइड बैठा हुआ है, ये किधर बैठा हुआ है, किधर है, ये रहा भाई। ये बंदर ना बहुत तंग करता है, कहीं भी घर में घुस जाता है किसी के भी। ये जो पेड़ है कांटे के जैसा, ये भी बंदरों से बचने के लिए, ताकि बंदर वगैरह कहीं से कूद कर यहाँ पे जंप मार कर घर में ना आ जाए। ये देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये सिंटेक्स की टाकी है और इस पर देख सकते हो आप लोग, ये कांटे वाले झाड़ बंदर से हिफाजत के लिए लगाए गए, क्योंकि बंदर क्या करते हैं, इसका टाके का ढक्कन खोल के और स्विमिंग पूल बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कांटे रहेंगे तो बंदर खोल नहीं पाएंगे और उसमें पानी को ख़राब नहीं करेंगे, नहीं तो इस सिंटेक्स की टाके को उसमें स्विमिंग पूल बना ले। क्या लेकर आए? हाँ, उमर को नहाना है, उमर ना नहाने से बाज नहीं आ रहा है। उमर डेली नहाता है, डेली घर में नहाता है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसको इतनी ठंड में भी नहाने के लिए डेली चाहिए, तो अभी भी अपने कपड़े नीचे से लेकर आ गया और कह रहे हैं कि मुझे नहला दो मम्मा। तो अभी पानी भी गर्म है, यहाँ पे हीटर लगाया हुआ था तो पानी ऑलरेडी गर्म है, तो इसको मैं नहला दूंगी। ये मेरे भाईजान की खाला है। हाय बोलो। आ गया था? हाँ, बंदर आ गया था। परेशान करते बंदर? बहुत बहुत परेशान ले जाते हैं, बटाटा लेके जाते हैं, खाने पीने की चीजें उठा लेते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, परेशान है, बहुत दुखी। चले गए, मैं गई थी सुधरी भी नहीं यहाँ पे गांव में, सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ पे भी सब नीचे बैठे, सब लोग अपने हिसाब से सब फैसिलिटी करते हैं, सिर्फ एक चीज की यही फैसिलिटी नहीं होती यहाँ पर, इस बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जिसको जहाँ पेड़ भरना होगा वो खाएगा। क्या क्या दर्द उसे बोलो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाता है। यहाँ गाँव में सब कुछ होता है, सब लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, सब फैसिलिटी अपने घर में कर लेते हैं, लेकिन एक यही चीज़ की फैसिलिटी नहीं करती। दिल्ली में जाने के लिए ना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से यहाँ पे नीचे बैठकर खाना पड़ता है, बहुत अजीब लगता है। देखो सब लोग अपने हाथों में प्लेट ले लेके खा रहे हैं, यहाँ पर भी खा रहे हैं। स्पेशल मिल गया है, इंतजाम हो गया अभी बैठने का, बैठने का इंतजाम हो गया। भूख लगी, खाना दो, सबके हाथ में प्लेट है। नसीब पता है, उड़ा चावल फेवरेट डिश है हमारे गांव में, हमारे ये फेवरेट डिश है, ये सब शादियों में मिलता है।
देखने जा रहे हैं, हम लोग दुल्हन देखने आए। वालेकुम सलाम, ठीक है? हाँ, ठीक है। परसों लड़की कमरा खाना की लड़की है। अच्छा अच्छा, खा रहे हैं। ये जेंट्स लोग का सेक्शन है खाने का। ये खटिया चच्ची ना बनाएगा? हाँ, उनकी घर तो गई थी मैं, पिछले साल आए थे ना हम लोग जब लेकर गए थे, जब गए थे गांव में शादी में जाना ना, एक यही बात पे रिस्क आता है। गांव में शादी में जाना एक यही बात पे रिस्क आता है कि खाने के लिए कोई वो नहीं रहता है, सब कुछ सब लोग इतने बड़े बड़े सब कुछ बना लिए, घर बना लिए, अच्छा फैसिलिटी कर लेते अपने लिए, लेकिन इस चीज़ की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कहीं भी जाओगे तो यही रहेगा, कितने भी बड़े से बड़ा आदमी रहेगा, वो खाना जो खिलाता है मंडे का हमारे घर, मतलब हमारे यहाँ पे शादी होने से एक दिन पहले खाना खिलाया जाता था मंडे का, तो वो जनरली ऐसे ही खिलाया जाता है जहाँ पे कोई इंतजाम नहीं होता है। बहुत से लोग करते भी हैं बट जनरली नहीं करते, अभी तक भी नहीं करते लोग। हाँ, धोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी वहाँ पे, और लेडीज लोग के लिए कुछ भी नहीं था। और आपने खाना खा लिया? खाना खा लिया भाई, सबसे पहले मैं ही खा के आया। जेंट्स लोग में अच्छा फैसिलिटी है, फिर भी जेंट्स लोग अच्छे से बैठ के खा रहे चेयर वगैरह पे, और लेडीज लोग तो एक दूसरे के ऊपर पीली पड़ी है। अब तो कम हो गई, अब नहीं है, अब नहीं है, अब ज्यादा करते हैं चेयर हम लोग। अरे हाँ, चलो उबैद नानी के जाएंगे, उबैद नानी के जाएंगे। कौन से वाले? ऐसा करो, फोटो निकालते हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उबैद नानी और उमर बोल रहे हैं कि गांव जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग जा रहे हैं उबैद नानी के यहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं मेरी मुमानी के यहाँ पे। हाय, फाटक पे पहुंच गए हम। देखो ये आदमी इतनी बॉडी में पड़ा है। क्या हुआ? पीछे बॉडी पड़ी है किसकी? मटर क्या पड़ा? मटर ना रहे दिल में। मटर क्या हो गया भैया? क्या हो गया ये? अरे यार, तो हम लोग अपने मामू के यहाँ पहुँच चुके हैं, आ नहीं रहे, पहुँच गए हम लोग। और ये रूम मेरी खाला का घर है जहाँ पे मैं पिछले साल आई थी, आपको दिखाया होगा व्लॉग में मैंने, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। चाय ठंडी होने दो। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं माई मुमानी के यहाँ पे, और ये मेरी मुमानी का घर, और यहाँ पे एक रूम है, और इधर सामने के साइड पे किचन है। दिखाऊंगी आपको पूरा होम टूर। तो हम लोग अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पे है, तो हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँच गए, और मैं आपको अभी स्नो का टूर कराती हूँ। सबसे पहले मैं मिलाती हूँ एक स्पेशल इंसान से, स्पेशल घर के सदस्य से। तो ये है मेरे मामू का लड़का, और ये जो है अल्लाह वाला है, नॉर्मल है एक्चुअली ये। हाय बोलो, हाय करो, हाय सलाम करो। अस्सलाम।
इसका नाम क्या है आपका? अनम। आपका नाम क्या है? जी जुनैद। क्या नाम है? अनम। अनम नहीं जुनैद। तुम्हारा नाम क्या है? जुनैद। ये मेरी मुमानी का घर है पूरा। भाईजान बाजी दोनों चले गए हैं, कल जुबेरिया आने वाली है, इसीलिए वो लोग दोनों चले गए हैं यहाँ से, ताकि जुबेरिया को उन लोग रिसीव करने जाएंगे। उसके साथ में एक फ्रेंड भी आ रही है उसकी। और ये साइड किचन है, यहाँ पे बैठी है जुबेरिया। क्या कर रही है? ये मेरी मुमानी की लड़की है। तो मैंने जो जुनैद बताया था, उसके बाद में एक और लड़का है, और उसके बाद में फिर ये जुबेरिया है, और इसके बाद में फिर सलाम करो। अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद। और ये उबैद है, ये एक और लड़का है उनका, नानी है। और ये घर है, बहुत पुराना घर है, ये मेरी नानी का घर हुआ करता था। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, या लाइट नहीं है अंदर। और ये बहुत ही टाइम मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन किया अपना, टॉर्च ऑन किया इसकी लाइट, बट यहाँ पे लाइट नहीं है शायद, या बोर्ड दिख रहा है कुछ हो, लाइट्स वगैरह कोई भी लाइट ऑन नहीं है। तो ये घर है, ये बहुत पुराना घर है, मेरी नानी और नाना कभी रहते थे इस घर में, मेरी अम्मी का बचपन गुजरा है इस रूम में। ये और ये घर, ये अंदर का कमरा है और ये बाहर का कमरा है, यहाँ पे मेरी मम्मी का बचपन गुजरा है। हाँ अबे लाइट है क्या? अरे लाइट है। मैं तो सोची थी लाइट ही नहीं है। हाँ ये रूम है, सो ये रूम है, अप्रैल का रूम है। और ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये मेरी मुमानी ने बस धीरे धीरे से सेट करते गए हैं, और ये रूम को अभी तक हिफाजत में रखा है। सो ये मेरी नानी का घर है, मेरी अम्मी का भी रूम है, मेरी अम्मी का बचपन गुजरा है यहाँ पर। ये देख सकते हो आप, खपरेल का घर है। ये जो है, ये जो छत है, ये पुराने टाइम की छत है, अभी तक मौजूद है। और ये रूम है उनका, अम्मी का, मेरे नाना और मेरी नानी रहा करते थे, और मेरी अम्मी की तीन बहनें थी, वे सब रहा करती थी। और शादी होने के बाद में सब मेरी मम्मी बॉम्बे चली गई, और मेरी खाला, एक खाला का घर पीछे था जो मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग में दिखाया आपको, एक वहाँ था, और एक मेरी खाला बहुत टाइम पहले ऑफ हो गई थी, दूसरी खाला मेरी, सब में बड़ी खाला थी वो। और ये रूम था, तो ये मेरी नानी का घर है, ये मेरी अम्मी, यहाँ पे मेरी अम्मी का बचपन गुजरा है, और ये वाला एक और रूम है। सो ये अभी तक ऐसी है, इसको ज़्यादा अभी रेनोवेशन इसमें कुछ नहीं हुआ, ये पुराना ही है, अभी तक इसमें कोई काम नहीं करवाया है। और ये बाहर का आंगन है, और फिर वहाँ पे ये दो कमरे हैं, ये वाला एक रूम है जैसा मैंने बताया, जहाँ पे हम लोग अभी रुके थे, जहाँ हम लोग रुके थे ये वाला कमरा है, ये वाला। तो ये गवर्नमेंट की हेल्प से उनको मिला है, यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प से वो बनाया गया है रूम। और ये नल है, बहुत पुराना नल है ये। बहुत ही पुराना नल है, मेरी नानी के टाइम से है ये नल यहाँ पर। और है अब बस यहाँ से, यहाँ पे दूसरों की किसी की हवेली है, और फिर ये साइड से बाहर जाने का रास्ता है ये, और वहीं पे जाके साइड में मेरी मम्मी, मेरी खाला का घर है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घूमने जा रहे हैं। अरे उमर तो इतना, जिस दिन हम लोग आए थे ना, उस दिन उमर आ ही नहीं रहा था, घर में नहीं आ रहा था, बाजी के वहाँ पर, और बोल रहा था उबैद नानी के जाना, उबैद नानी के जाना है। तो इसका नाम है उबैद, ये है उबैद। इसके लिए उमर बहुत परेशान था, इसका नाम है उबैद। और हम लोग पिछले साल जब आए थे तो उबैद के साथ में ज़्यादा खेला था उमर, इसीलिए उसको वही याद रह गया, और कोई याद नहीं रहा। और इसके अलावा एक कमरा उसको याद था, ये वाला कमरा, तो बस इसको, इस कमरे को देख के उसको याद आया कि हाँ मैं यहाँ आया हूँ, और मैं अब फाइनली आ चुका हूँ कि उबैद नानी के मैं आ गया हूँ। नहीं तो उसको कुछ याद नहीं था, घर में भी एंटर नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा था जैसे बाजी यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहे हैं, और ये रिजाई है, ये क्या है मुमानी? ये क्या है? रिजाई है, लिहाफ, ये लिहाफ है। जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो ये यूज करते है, ओढ़ने के लिहाफ है, ये बहुत हैवी है। निवाज भी बहुत अच्छी आती है इसमें। और फिर मैंने जुनैद घोरा फिर रहा था, अम्मी मिले जा रही है ऐसा, तो जुनैद में फेंक के आ गए, जुनैद ने उठा के। फिर मैं बुरखा पे मैंने कहा भाई मैं लंडा वो लाया क्या रुई, मैंने कहा हाँ भाई ये रखी, मैंने कहा सच तो पता।
सो टाइमिंग हो रहा अभी 7:45 और अभी बहुत ठंडी बढ़ गई है और हम लोग जा रहे अभी खाना खाने और खाना खाने के बाद में फिर हम लोग सो जाएंगे। मैं आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।